नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल चैनल न्यूज़ बैलेंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है। आज हम लोग यात्रा पर निकले हैं, हमारे साथ देखिए पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं, हमारे साथ हमारे ढेर सारे मित्रगण हैं, साथी लोग हैं, सबको हम अवगत कराएंगे। अभी NH से होकर गुजर रहे हैं हम लोग बाइक के माध्यम से। सहरसा ज़िला महपुरा बाबा कारू बाबा स्थान हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो आपको वहाँ का पूरा दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर आप सब कुछ देखेंगे। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि बाबा, अब देखिए हरियाली से हम लोग गुजर रहे हैं रास्ते से, जो कुछ हमको ये संबंधित पिक्स मिला है, वीडियोस मिला है, आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग बाइक से निकल रहे हैं और अब बहुत जल्द ही हम बाबा के स्थान तक पहुंच जाएंगे। देखिए, हम पहुंच गए कारू बाबा स्थान, जो कि सहरसा ज़िला के महापुरा में स्थित है, और यह स्थान बिल्कुल कोसी नदी कोसी मैया के जस्ट बगल में है। देखिए, कोसी नदी आपके सामने में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे भक्त माता बहनें कोसी मैया की पूजा अर्चना कर रही है यहाँ से, और मंदिर का छटा आपके सामने में दिख रहा है। देखिए, साथ में हमें बहुत पहले से ही पता लगा, कुछ हमारे बुजुर्गों का कहना है कि ये जगह जो है काफ़ी पावन है, पवित्र है, तो आप उस जगह का दर्शन कीजिए। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको इस वीडियोस के माध्यम से सब कुछ बताएं, इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। यहाँ पर क्या क्या होता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए, मैं ऊपर से यहाँ मंदिर में हमारी माता बहनें पूजा अर्चना कर रही है, उसके बाद ये कारू बाबा का जो मेन मंदिर है जो नीचे है, वहाँ पर भक्तवृंद दर्शन हेतु देखिए खड़े हैं, घंटी सब लटका हुआ है, और यहाँ पर इसके बगल में कारू बाबा का जो भाव होता है वो भी इसके दाहिने साइड में होता है। ये मंदिर काफ़ी भव्य मंदिर है, कारू बाबा स्थान, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। हमारे ढेर सारे मित्रगण भी आए हैं, करीब 10-12 दोस्त लोग हम लोग यहाँ पर पधारे हैं आज, और कोशिश करेंगे कि आज जितना भी यहाँ का जो कार्यक्रम होगा सब कुछ देखते हुए आप लोगों को यहाँ से रूबरू कराएँ। और यदि आप नहीं गए हैं तो यहाँ जा कर के देखिए, आपको मैं सारा कुछ इसमें दिखाने का प्रयास करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। उसके बाद कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हम ढेर सारे पिक्स आग सामने देखिए, एक हनुमान बाबा का मंदिर है, ये दिख रहा होगा छोटा छोटा मंदिर, एक हनुमान बाबा का जो बीच कैंपस में है, और उससे बगल में हमारे जो वीडियोग्राफर लोग भी होते हैं, जो आपको मतलब कारोबार स्थान से संबंधित आप पिक्स बनवा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आसपास में घूम रहे हैं वीडियोग्राफर सब, तो वहाँ से आप फोटोग्राफी करवा सकते हैं। अभी भक्तों का भीड़ उतना नहीं है, और यही ये जो सामने दिख रहा है ये हमारे मित्र लोग हैं जो हमारे साथ आए हैं। हम लोग आज कारोबार स्थान में देखिए सब सेल्फी अपना अपना ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात है यहाँ का जो व्यवस्था है, व्यवस्था देखकर हम दंग रह गए, ताकि देखिए कितना सुव्यवस्थित ढंग से सारा कुछ है। ये बाबा का मंदिर जो बना है बिल्कुल टाइल्स किया हुआ है, 2 मंजिल ऊपर में भी है, और ये मंदिर बिल्कुल कोसी नदी के तट पर स्थित है, और इतना भीषण नदी होने के बावजूद भी ये मंदिर अवस्थित है, ये इनका प्रताप है कह सकते हैं। देखिए, हमारे दोस्त लोग जो हैं हमारे आसपास में घूम रहे हैं, ये लोग भी यहाँ के छटा को देख रहे हैं, यहाँ के माहौल को परख रहे हैं। अब हम मंदिर के पीछे वाले भाग में पहुँचे हैं, यहाँ पर देखिए भक्तवृंद पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और अब देखिए, अब आपके सामने ये नदी का जो कोसी नदी कोसी मैया का जो नज़ारा है आपके सामने दिख रहा है, तो इसका भी हम पिक थोड़ा आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आप देखते चलिए। उसके बाद हम आपको फिर ले चलते हैं बाबा के प्रसाद भवन। आइए, प्रसाद भवन देखिए, यहाँ पर प्रसाद
तैयार हो रहा है, जो कि 2 बजे करीब प्रसाद का भोग लगने वाला है। हम यहाँ पर ये बाबा जो हैं इनसे पूछे हैं तो बोले 2 बजे प्रतिदिन भोग लगता है बाबा को। तो यहाँ पर देखिए, अब उसके सामने देखिए, यहाँ पर जो कैंपस बना हुआ है, इस कैंपस में जो जितना ये जो आंगन है, इस आंगन पूरा प्लास्टर किया हुआ है। इसमें हम लोग जितने भी पुरुष हैं, पुरुष लोग जो हैं वो इसमें प्रसाद ग्रहण करेंगे बैठ करके, और महिलाएं जो है मंदिर से बगल में जो अभी जो हम ले गए थे आपको वृक्ष के नीचे, तो उसके आसपास ये लोग प्रसाद ग्रहण करेगी। ठीक है, तो यहाँ का व्यवस्था जो है मिला जुला करके बहुत सुंदर वातावरण के साथ, और ऐसा लगता है देखिए अब धीरे धीरे भक्तों का भीड़ थोड़ा बढ़ता नज़र आ रहा है। ठीक है, चूँकि अब टाइम भी हो गया है, प्रसाद वाला टाइम हो गया, इसलिए भक्तों का भीड़ बढ़ना। अब चलिए हम लोग प्रसाद ग्रहण करने हेतु हम लोग बैठ चुके हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त लोग भी बैठे हुए हैं, इसी पंक्ति में बैठे हैं। तो सोचे प्रसाद ग्रहण करते वक्त का एक तस्वीर आपके साथ शेयर किया जाए। तो देखिए, और ये पेड़ के नीचे हमारी माताएं बहनें यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रही है। दोस्तों, यहाँ जो साथी हमारे साथ वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको पूरा पता लग गया होगा कि यहाँ का क्या प्रक्रिया है, बाबा कारोबार स्थान आने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होता है, सारा प्रक्रिया आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कारोबार स्थान में प्रसाद ग्रहण कर ली, अब हम बाज़ार का कुछ तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बाज़ार दिखा रहे हैं, और बाज़ार दिखाने के बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। महसी में स्थित है उग्रतारा स्थान, तो वहाँ के लिए हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। देखिए, बाइक से हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं महसी स्थित उग्रतारा स्थान, जो कि वहाँ के देवी काफ़ी सहयोग देवी है। देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं महसी के उग्रतारा स्थान, तो यहाँ का हम लोग पिक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये बाहर का तस्वीर है, अंदर का तस्वीर लेना मना है, इसलिए अंदर का तस्वीर हम नहीं ले पाए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।